हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बोट नेक विद पाइपिंग बनाना सिखाऊंगी। तो ये है मेरे कुर्ती की सिंपल मेजरमेंट और इसे मैंने काट लिया है। फ्रंट साइड और बैक साइड हम दोनों एक साथ काटेंगे। तो यहाँ से फोल्डेड साइड से सबसे पहले हम नेक लाइन का विड्थ नापेंगे। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच अपने नेक की विड्थ दे रही हूँ। आप जितना भी अपने नेक की विड्थ लेते हैं आप उतना लगाएं यहाँ पर, तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ लगाया है 2.5 इंच। अब यहाँ स्लीव्स की तरफ से मैं आधा इंच छोड़ते हुए एक निशान दूंगी। ये आधा इंच स्लीव्स जोड़ते समय दब जाएगा। अब ये जो बचा हुआ भाग है ये हमारा शोल्डर पार्ट है, तो इसको हम नापेंगे और इसका आधा ले लेंगे। तो ये मेरा आ रहा है 3 इंच, तो इसका आधा हो जाता है 1.5 इंच। तो मैंने यहाँ निशान लगा दिया है इसके आधे पे। तो ये जो एरिया है ये हमारे बोटनेक की विड्थ हो जाती है। तो ये करीबन आ रही है 4 इंच, तो 4 इंच मेरे नेक की विड्थ हो जाएगी। तो जो बोटनेक होता है उसमें जो आपके शोल्डर्स होते हैं वो हमेशा 1.5 इंच से 2 इंच के बीच में आए तो अच्छा होता है। तो यहाँ हमें 1.5 इंच का शोल्डर मिलेगा और नेक लाइन हमें मिल रही है 4 इंच की। लेकिन अगर आपको इतनी चौड़ी नेकलाइन नहीं चाहिए अपने बोटनेक की तो आप इसमें आधा इंच कम भी कर सकते हैं इस तरह, तो आपको बोटनेक का विड्थ थोड़ा कम हो जाएगा आपका। बट यहाँ पे मैं आधा ही लूँगी अपने शोल्डर्स का, यानी कि 1.5 इंच। और यहाँ मैं अब अपने बोटनेक की डेप्थ नाप रही हूँ, वो है 3 इंच, और यहाँ मैंने निशान लगा दिया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं हल्की सी गोलाई देते हुए मिला लूँगी। एक हमें बोट का निशान यहाँ पे बनाना है इस तरह। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब 1/2 इंच नीचे मैं अपने शोल्डर ड्रॉप दूँगी। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैं फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों के लिए सेम बोट नेक का डिज़ाइन दे रही हूँ। ये देखिए हमारा फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों एक साथ कट चुके हैं। अब हम इसको सिलाई करेंगे। तो ये है मेरे पास पाइपिंग का कपड़ा जो कि उरेब पट्टी है, बायस बाइंडिंग है, और ये करीबन 2 इंच चौड़ी पट्टी है। इसे हम बीच से इस तरह फोल्ड करेंगे और अपनी नेकलाइन पे लगाएंगे इस तरह। तो बिल्कुल नेकलाइन के साइड साइड पर हमें इसे इस तरह रखना है। जो खुला वाला भाग है वो नेकलाइन की तरफ आएगा, ये ध्यान दें, और इस तरह रखते हुए हमें इसे सिल देना है। ये देखिए, ये मैं कुर्ती के सीधी तरफ अपने पाइपिंग के कपड़े को जोड़ रही हूँ और इसे हम पलट के उल्टी तरफ लेके जाएंगे। तो बस कुर्ती के सीधी साइड में इस तरह अपनी पट्टी को प्लेस करते जाएँ और सिलाई दे दें। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ हम छोटे छोटे से कट्स दे देंगे। ये देखिए हमारे कट्स लग चुके हैं। अब इस पट्टी को हम पीछे की तरफ मोड़ेंगे और हल्का सा कपड़ा निकालते हुए पाइपिंग बनाएंगे। तो जितना भी आपको मोटा पाइपिंग चाहिए आप उतना ही कपड़ा निकालें। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप बिल्कुल पतला पाइपिंग निकालें, वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में और क्लीन भी लगता है। तो बस हल्का सा कपड़ा निकालते जाएँ और उसे सिल दें सीधी तरफ से। बहुत ही आसान है। ये देखिए हमारी पाइपिंग लग चुकी है और ये सीधी तरफ हमने स्टिच भी दे दी है। बहुत ही क्लीन लग रहा है। पीछे से ये कुछ इस तरह लगेगा। इसी तरह हमें सेम पीछे वाले नेकलाइन को भी पूरा करना है। यहाँ हमारी दोनों नेकलाइन पूरी हो चुकी हैं। अब सीधे भाग दोनों के मिलाते हुए हम शोल्डर जोड़ेंगे इस तरह। दोनों शोल्डर्स को जोड़ते हुए यहाँ पर हम स्टिच दे देंगे 1/2 इंच का गैप देते हुए। तो यहाँ हमारे शोल्डर्स भी जुड़ गए हैं इस तरह। और इस तरह हमारा बोटनेक तैयार है। ये देखिए ये इस तरह लगेगा और पीछे की तरफ से ये कुछ इस तरह लगेगा। अगर पीछे की तरफ आप सिंपल नेक बनाना चाहते हैं, सिंपल तरीके से उसे पूरा करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने दोनों तरफ पाइपिंग दे दी है। तो इस तरह आप अपनी कुर्ती पे बोटनेक बना के पाइपिंग दें
और बिल्कुल रेगुलर तरीके से फिर उसे पूरा करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।